खान साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? खान, मैं खान नहीं हूँ, मैं शेख हूँ। मेरा नाम शेख कासिम है, कितनी बार बताया था। अच्छा सर, सर मुझे इमरान खान से ना बस खान खान मुंह पे आ जाता है हर बार। आप इस खिलौने से क्यों खेल रहे हैं? खिलौना नहीं है ये, स्पिनर है, स्पिनर है। इससे टेंशन दूर होती है, स्ट्रेस दूर होती है। तो आपकी दूर हुई है? नहीं, और बढ़ गई है। हाँ, मेहनत जो करनी पड़ रही है इसीलिए। वैसे आपको टेंशन किस चीज़ की है ये तो बताएं। वैसे इसकी टेंशन मैं भूल भी गया, मुझे टेंशन किस चीज़ की हो रही थी। अच्छा, अगर आपको इस चीज़ की टेंशन है कि आज हमारे शो में कौन गेस्ट आएंगी, तो ये टेंशन मैंने दूर कर दी है क्योंकि मैंने गेस्ट को खुद ही बुला लिया। कौन है, कौन है, कौन है? एक प्यारी सी लड़की है, कॉमेडियन, बहुत अच्छा कॉमेडी करती है। कॉमेडियन, वो भी लड़की? हाँ, मैं हाँ, तो आज तक आंटियां कॉमेडियन देखी हैं। बस देख ले मैंने कैसे ढूंढी है, बस अभी वो आती होंगी, आप देख लेना कौन है वो। ठीक है, जल्दी जल्दी उन्हें ब्लॉक जल्दी। ओके ओके, मैं लेके आती हूँ। ओके, जी आ जाए, आ जाए। ये आपकी जगह, इधर बैठ, मेरी पैर बोलना नहीं, तू ऊंची नहीं बोलना। पानी मंगा लो। वालेकुम साहब, जूस मंगा लिया, गाजर का मुरब्बा मंगा लिया, बच्ची नु दंदल पै गया रास्ते। खाली पेट मैनेजर मैनू लैंड नहीं भेजा, एदी हालत देख रहे, दो बारी उठ के तार ते चली गई बेचारी। मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया, मैं भूखा हूं। अच्छा, गुड़गुड़ दी आवाज इत्थों आ रही सी, मैं क्या हो रे, गेट ते को वट्टे मारन दे। चल मेरी भैन उठ जा ते एंदा खा पी के करवाना है। ठीक है ठीक है, नौकरी मिल जांदी, सेहत नहीं मिलदी। बस सुबह सुबह बुला लेते हैं ना ये लोग। कॉमेडियन लड़की आएंगी, कॉमेडियन तो है मगर लड़की से एज ज्यादा नहीं, थोड़ी एज ज्यादा, मतलब मैं तेरे आशीर्वाद देता आके मैं परस मार के तेरा सिर पाड़ देंगी कासिम। मुझे तस्वीरों में लग रहा था कि ये बहुत यंग एज है, लेकिन तो मेरे मुंह से चूस नहीं होती ना तस्वीरों में, छोटी लग जाएगा। ठीक है ठीक है, ओके, अब गुजारा चलाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा एक मिनट, एक तुसी पाया की है ये? मैंने कपड़े स्टाइल नहीं, पेंटर दे पीपे च डिग गए सी तुसी स्टाइल। वो एक्सरे करा के सीधे ही आ गए हो, मैंने बदतमीजी की थी या कोई गलत सवाल किया, ताड़ी हड्डी खोल के मैं ताड़े सिर च मार दूंगी। मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए आप दोनों बातें करने। ठीक है, बातें करें मतलब ऐसी पार्क में बैठे हैं कि बातें करें, मैं आपको तन्हाई में, आप शुरू लग गए लनु कहने ने कि आप दोनों एक दूसरे को समझ जाए। चले वही इंटरव्यू, सॉरी सॉरी, नजर भी कमजोर है। अधिराज मैंने कह रही ये कितने हैं, मैं कह दो, कहनी ये कितने हैं, मैं कह तीन, हूं चेक दियो, एक की बिल्कुल ठीक नजर आ रहे हैं। मैं सिर्फ गेम कर रही थी, गेम कर रही थी, मतलब शुगर लगा रही थी। ये चार होते हैं, ये ग्लासेस इन्होंने दिए, अदरवाइज मेरी खराब नहीं है, मेरी नजर भी ठीक है, सेहत भी ठीक है। जी बिल्कुल ठीक कर रही हूं। आप बात सुने, पैसे शैसे नहीं देते तुम, चल साइकिल से बैठ जा, मेरी पैन गाल करने मैं बाद में आती हूँ। क्या बैठो, अच्छा बात सुनो, मैं ये कह रही थी सवाल करो। अच्छा ये पर्स नीचे रख देंगे और अगले महंगा पार्क से सामने। ओके ओके, पता लगे। ठीक है ठीक है, बड़ा अच्छा है, ये आपने खुद अपने पैसों से लिए? पैसों से मतलब कि मैं तेनु डांसर लग रही है, मैनु गिफ्ट होंदे अपने पैसों से? देखो मेरी जो चीज है वो मेरी अपने जाती पैसों से। लेकिन चेयर के साथ इथे की रो रहे हैं, वो टेबल का ना वजन थोड़ा ना वो हो जाता है, मतलब बराबर का टेबल, महंगा टेबल ले लो, नवा सेट, एने पैसे लाए नीचे। वैसे मैंने सफाई आज ही कराई है नीचे। अच्छा, सफाई कराई, मुंह भी करा लेनी सी, वो नहीं मिला था ना मुझे वो रंदा। हाँ भाई, बस पीस पीस ही रखते हैं, प्रेम चाह रहे हैं जी। हाँ हाँ हाँ, इसी के साथ चलते हैं हम एक ब्रेक की तरफ, कहीं मत जाइएगा, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, हमारे साथ मौजूद हैं रुखसाना। चल मैं शो स्टार्ट कर दूँ, कर ले स्टार्ट, तेरे शो की चाबी है मेरे को, इंट्रो देना ना। मैंने दे दे, ओथे ओ बंदा खड़ा ना, उन्हें दे के। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ शेख कासिम। और खुल के बोल, बोरी थले आया तू, मैं हूँ शेख कासिम, खुल के बोल, मैं हूँ शेख कासिम। आप तो नहीं है, चेंज ले आप तो नहीं है शेख कासिम, अल्लाह ना करे मैं शेख हूँ। अभी आपने कहा है, नहीं मेरे मुंह से निकल गया, मैं माफी चाह रही हूं, मैं तेरी गल कर रही हूं। ठीक ठीक, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शेख कासिम और आप देख रहे हैं मेहमान कदरदान। आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका नाम गालिबन रुखसाना है। गालिबन मतलब कोई तो रिसर्चर नहीं, जो गेस्ट आते हैं उस बारे में कोई डिटेल नहीं, मतलब रुखसाना मेहताब, रुखसाना नाम है। गालिबन क्यों किया तुसी नाल, रुखसाना मेहताब? मेहताब याद ने खुद ही लगाया? नहीं, वो नाल एक बंदा सी मेरा, वो आया मेरे नाना मेहताब लिख के दौड़ गया। ठीक है,
अमिताभ ना, अमिताभ नहीं मेहताब, MEHTAB रुखसाना, रुखसाना मेहताब। पहले इधर बहस कर लेने मेहताब, नहीं नहीं बस ढाई घंटे अले चार ही बज रहे हैं बस इधर, पहले बहस कर लेने मेहताब कैसे लिखते हैं। नहीं नहीं बस ठीक ठीक है, ठीक है। सर सर गेस्ट के लिए कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करना है। बाहर दो बोरियां पईयां ने, तीन पतीले पे ने, की ले आना तुसी पैसे देने, पैसे खाना आप पे पहले उनसे पूछ लो क्या खाएंगे आप बता दें की है ताड़े को जो आप कहेंगे आ जाएगा। अच्छा जो मर्जी है क्या ऐसा करो इनके लिए इनको ले आओ। अच्छा इनको मतलब मैं कि एक पाव 12 बजे तो बाद आएंगे इनको ले आया साथ में चिप्स ले आऊं चिप्स आधा पाव ले आना। अच्छा चिप्स चिप्स ऐसा करना पैकेट में से ना चिप्स प्लेट में डाल के ना खिला के ले आना, खिला देना ताकि ज्यादा लगे। यस यस और बिस्किट बिस्कुट आएगा को किटी पैक ले उसमें चार होते हैं एक ये खा लेंगे एक तुम खा ले एक मैं खा लेना और पीने के लिए और जो एक जो बाजे को हम कल खा लेंगे पीने के लिए पीने नहीं नहीं पीने के लिए आप कुछ भी ले आओ। ऐसा करो इनके लिए पानी के लिए चाय ले आओ आप फिर ऐसा करो इनके लिए चाय ले आओ मेरे लिए पानी ले आओ अपने लिए पानी और अपनी चाय ले आओ अदली कोई बंदा ले आओ मैं आप इसमें चीनी पिएंगे नहीं चीनी मैं नहीं शुगर के बगैर चाय मीठी मीठी बातें करती हैं आप तो चीनी अपने लिए जूस ले लूं यार आजकल जूस अच्छे नहीं आ रहे दस रुपए का पैकेट वो चिप्स वाला 10 रुपए का वो वाला निम्को बिस्कुट वाला निम्को निम्को जिन्हें भेज रहे हैं ना 60 रुपए ना भी दे तो ले आएगी। अच्छा मुझे चीज आप पैसे आइए पिछली बार ना आपने मुझे वैसे मैं हर बार ऐसे ही करती हूँ लेकिन आज पैसे ले रही हूँ 5 रुपए आपने अच्छा मुझे नहीं लगता ना ये लो चले मैं जल्दी जाओ जल्दी जल्दी उठ के जाते उठ गया। हाँ चले मैं शो स्टार्ट करना था आपसे सवाल करने थे आपसे। अच्छा मुझे बताएं आपका नाम जो है रुखसाना ठीक है ये 70 साल पहले मैंने सुना था ये नाम ना लोगों ने रखना बंद कर दिया तो आपका नाम ये क्यों रखा। अच्छा पहले इतने तक बहस कर लेना परदादी थी उनका नाम रुखसाना। अच्छा 70 साल पहले इसका मतलब आप थे क्योंकि मैं तो 70 साल पहले थी नहीं तो मुझे तो पता नहीं है। देखिए कासिम नाम भी बहुत पुराना नाम है तो इसका मतलब है कि आपकी भी बहुत पुराने मोहम्मद बिन कासिम के ज़माने दे। लेकिन मेरी एज पे आप क्यों डिस्कस कर रहे हैं मतलब कि फिरौन दी क्लास फेलो रही हैं मैं आके दसिया सी कि भाई इधर लाहौर बनेगा आप अपने ना वैसे मीडिया नेम चेंज भी तो कर सकते थे आप रुखसाने की जगह अगर आप नाम रखते थे रॉक्सेन रॉक्सेन वीना ने वीना रखे कारो नी ज्यादा इधर जी कह मल्ले सारे पता ज्यादा ना है की फायदा। देखो इस नाम ने इज्जत दी है इस ये नाम हमें हमारे पेरेंट्स ने दिया है तो जो वालदैन की तरफ से नाम मिले अगर अपनी को फनकारी करोगे ना तो जनलीली होगी। इतना प्यारा नाम है रुखसाना खान मेरा नाम था आफ्टर मैरिज मेरा नाम रुखसाना मेहताब हो गया मेहताब मेरे हस्बैंड का नाम है अमिताभ नॉट अमिताभ मेहताब MEHTAB। ओके ओके ओके। अच्छा मुझे बताएं आप यंग लड़कियों की तरह यंग लोगों की तरह उनकी नकलें क्यों उतारती हैं आप उनकी तरह कपड़े पहनते हैं उनकी तरह स्टाइलिंग करती हैं उनकी तरह देखिए तू बांदरा की कॉपी करना नहीं हालांकि करना है तू बाल भी उंज दे लाल पीलियां शर्टा देखो मैंने आपको कभी नहीं कहा कि आप बांदरों की कॉपी करते हालांकि बांदर माइंड कर देने। हाँ 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 मैं भी एक दफ़ा जू गया था उन्होंने माइंड किया था क्यों आगे क्यों आगे। हाँ 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 अच्छा आप ना ये सेल्फियाँ भी खींचती हैं जिस तरह से तो ये सेल्फियाँ खींचने का तो वो यंग पास हो गया कि सेल्फियाँ खींचोगे तो दफा 302 लाख नहीं वो सारी दुनिया सेल्फी बनाती है अगर मैंने बुलानी किड़ी मसला हो गया खूबसूरत बंदियां ज्यादा बनाती हाँ तो मेरे मुंह तक मतलब चंबल है नहीं नहीं मतलब ये मनु की ददर है कि मतलब की है मेरे मुंह सड़े है एक पासो मेरा मुंह मैं नहीं बना सकती सेल्फियां छोटे बच्चे बनाते हैं ना बच्चे मतलब तो तुसी भी तो बढ़ाते हो ताडे नाल से मेरे खाले कुकड़ आने बंद हो गए ने अजे दे नकल पुराने जमाने में नानी दादी अजे दे नकल आंदे से उस वजह से तुसी फैमिली च जा नहीं सकते केड़े नकल नाल जाओ अब क्यों नहीं आते झूठा पाई तेरे मुंह ते ऐसे ही करके नूर नहीं डोरेमोन आजकल के हिट है डोरा बनने का शौक है डोरा 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 मतलब बहरा डोरा द एक्सप्लोरर। अच्छा डोरा अच्छा वो तो मैं हूँ ना देखो मैं वो तो लगती भी हूँ अच्छा ऐसे ना
लड़कियों के अंदर आमतौर पर ना जी बंद होगी, ये लें आपके खाने का इंतजाम करती है। इतना ज्यादा ले, जो जो खा था सब लेकर आए। ये 100 रुपए का आ गया? नहीं 1 रुपया बचा। ओह थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये रखिए चूंटियां काट के तेने को लाया, पहेलियां फिर रही ने भी। अच्छा ये चाय पहेलियां काटन इंजन चावल जो कीड़े नहीं कटे रहे। नहीं नहीं ये निमको है, आपकी नजर कम पड़ रही है। अब चूंटियां नजर आ रही है ने सोने। ए ला जा बेटा दौड़ जा, चूंटियां भी खा लेते हैं लोग। चले आप निकाल के खुद खा लेना, बेचारे से क्या मेहनत करवाएंगे। इतनी सी मेहनत नहीं कर सकती खाने के लिए। अपने लिए इसने चाय मंगाई है और गेस्ट के लिए इसने पानी मंगाया है, मतलब दोर पिटे मुंह दोनों। आप पी ले खुद, थोड़ी से पी लेंगे ओपन हो। हाँ हाँ हाँ, ये मेरे लिए जूस ले आना, वो वाला डब्बे वाला, डब्बे वाला वो वाला ले आई, उन्हें पी के पटाखा भी मारा। मैंगो मैंगो टीवी वाला मिलता है ना फ्री, सस्ते मिल जाते हैं। हाँ, हाँ, टीवी देता है ना। अच्छा मैं एक सवाल कर रहा था, या एसी तेज कर दे या पखा ला दे, अल्लाह की कसम बहुत गर्मी लग रही है। ऐसे कर एड्डा तू रांझा मेरा, चल सवाल कर। ऐसे ना आपको ना पंजाबी में इंग्लिश बोलनी आती है? प्लीज मैं इंग्लिश इंग्लिश बोलनी नहीं आती। पंजाबी में कौन मतलब इंग्लिश बोल, पंजाबी में इंग्लिश को बोलते हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू यार फाइन। बड़ा तेरा क्यूट न्योले वर्गा मुंह। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा मैंने सुना आप सांप से डर जाती आपकी, मैंने वीडियो अच्छा एक देखी थी। एक सांप से कौन नहीं डरता, कौन नहीं डरता सांप से? मैंने तो आज कोई बंदा है अजीब बकवास से सवाल करी जा रहा। पेरन क्यों बनी हुई थी जब आप सांप से डरती थी? मेरा गेटअप था, सांप ने छींक मारी और आप डर गई थी। मैंने वीडियो खुद देखी थी जी। ये मेरा एटीवी का शो था खाजा ऑनलाइन, उसमें ऐसा था, हमारे प्रोड्यूसर साहब ने कहा था ये डमी सांप होंगे, ठीक है ना। तो मैं वो जाहिर है सपेरन बनी थी और मैं बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही थी। सांप जब अचानक ऊपर आया तो मैंने देखा कि ये तो ओरिजिनल सांप ने सिर्फ छींक मारी थी। मतलब ऐसे किया था कजन ने, उन्होंने तनु एसएमएस किया कि मैंने छींक, नहीं 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 मैंने खुद देखा था उसने ऐसे किया था। ओ यार नहीं कम ऑन यार, ऐसे कब करता है जब सांप डसने लगता है? तो करता है ऐसे करता है जब छींक मारता है। अच्छा मेरी सांप के साथ इतनी कभी अंडरस्टैंडिंग रही नहीं, तो मुझे पता नहीं कि उस वक्त क्या चाह रहा है। चलें छोड़े ऐसा करें आज तक। हाँ प्लीज़ यार इन्हें ना वो क्या कहते हैं इनके ना मुँह के ऊपर एक टिशू लगा दो, पूरा टिशू ला दो। मैं मम्मी बनने लगी है ना। थैंक यू बेटा, पैसे तो नहीं मंगेगा मेकअप ठीक करने? अच्छा आप अभी बता रहे थे आप अम्मी बनने लगी कब? मम्मी लो मम्मी मम्मी दी मम्मी मूवी देखी, पट्टियाँ बंदियाँ होंगे क्या ना, टिशू ला दे एक तो पहले जुगत करो फिर उन्होंने एक्सप्लेन करो। मुँह रो को मस्कीन आया मेकअप करने ली और मेरा पफ नहीं ला। अच्छा नहीं वो आपका उसने वो जला के फेंक दिया। जला के फेंक दिया ना। अच्छा आपने गेटअप्स बहुत करती हैं, ठीक है, आपको क्या लगता है आपको कौन सा गेटअप सबसे ज़्यादा सूट करता है? अच्छा सूट करने की ज़्यादा बात है, गेटअप में बहुत कम ऐसा होता है कि अगर आप ये कहें मुझे सूट करता है। आप ये सवाल ताड़ा सवाल ही पूछा है, तुसी पूछो कौन सा गेटअप करके आपको मजा आता है। हाँ, अब मैं अगर कहूँ कि जी मैं दादी बनी थी तो मैंने बड़े सूट किए, ये तो ऐसा तो नहीं होता ना। या मैं पागल बनी थी मुझे बड़ा सूट किया, यानी वो आपको ऊपर वो कैरेक्टर सूट किया था। मुझे नसीबो लाल का जो गेटअप मैं करती हूँ गरीबो लाल के नाम से सिंगर, तो वो मुझे बड़ा मज़ा आता है, मज़ा भी आता है और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो। अच्छा मैंने आपको ना चुड़ैल का गेटअप देखा था, वो बड़ा सूट किया था, एक दफ़ा देखा था मैंने, बड़ी अच्छी लग रही थी आप। इट लैके आई कोई अद्धी इट लैके चले नहीं ले आनी क्योंकि अद्धा मूवी अद्धी इट वर गई। छोड़े छोड़े छोड़े। अच्छा मैंने नोट किया जब आप बीवी बनती है बड़ी ना खड़ूस टाइप की बनती है, मेरा करेक्टर होता है मैं उनकी बनना है ना। तो ये आपने प्रैक्टिस की हुई इससे या आप हैं ही ऐसी? हैं ही ऐसी मतलब। अच्छा एक मियाँ है उन्हें दूसरा ब्याह कर लिया तो बीवी खड़ूस नहीं होगी क्योंकि जानू वेरी गुड आपने बहुत अच्छा किया आपने दूसरी शादी कर ली, मतलब ऐ करा मैं बीवी एक्टिंग नहीं करनी। अच्छी होगी तो फिर ताड़े वर्गी बंदे की बीवी होंगी जरा दुआ ब्याह कर लें तो कहती शुक्र है मगर वो लै जाए खाना खराबा चार छे होर कर लें मेरे सामने ना आए, वो आप जैसी मर्दों की बीवियाँ कहती हैं। सही कह रहे हो। हाँ 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 की मैंने भी अभी इस बारे में ना सोचा। हाँ क्या सी ना हाँ 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 ना कॉमेडियन मैंने ज़्यादातर सॉरी। अच्छा वाइड एंकर है मैंने वो ना जिधर डकार रुकता है ना डकार रुकता है बिस्कुट खा लिया था ना उसके वजह से मैंने बिस्कुट ना डकार नहीं आता कंट्रोल करना चाहिए। सॉरी 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 वो हो जाता है कभी। अच्छा एयर फ्रेशनर करते हुए ये डकार पे डकार मार रहे हैं। अच्छा कॉमेडियन ज़्यादातर नेक देख के मैंने फैसलाबाद या गुजरांवाला से होते हैं, आप रावलपिंडी से हैं, उधर से कहाँ से आ गए कॉमेडी? पहाड़ा तो लत्थी हैं मैं इधर आ गई हूँ कॉमेडी करने। पहाड़ा तो मैंने सुना वो
उतरते हैं वो जो होते हैं गिदड़ मारखोर। हाँ अरे ऐसा है कि मैंने पिंडी में ही था ना, सांबा सेंटर में था एटीवी, मैंने स्टार्ट ही वहाँ से किया। मैंने अपने आपके अंदर कॉमेडी एक मिनट है बेटा, जो मेरा चेक बनेगा ना उधर पैसे काट के एक शीशा ले लेना पिंडी जो है पिंडी बॉयज की वजह से बड़ा मशहूर है। पिंडी बॉय मैंने भी पता है, पिंडी बॉय पिंडी बॉयज में क्या स्पेशल बात होती है? आप पिंडी में रहती हैं, आपको पता होगा उनके बारे में। पिंडी बॉय, पिंडी बॉय मुंह नाल खोता बड़ा अच्छा खींच लेंदे ने। रियली? हाँ आए नहीं कभी पिंडी, तानू खिंचया नहीं कभी किसी ने? नहीं, मैंने सुना पिंडी बॉयज अपने स्टाइल की वजह से मशहूर है। स्टाइल जाहिर है उतो ही निकले, इफ्तिखार ठाकुर साहब इस सांबा से पिंडी से आए हैं, रैम्बो साहब पिंडी से आए हैं, मैं पिंडी से आई हूँ, और ये अल्लाह पाक जिसे इज्जत दे। लेकिन पिंडी बॉय मतलब की उन्होंने की सिंह निकले होते, आम लड़के होते। आपको कभी पिंडी बॉय नहीं पसंद आया? मैंने नहीं, स्टाइल नहीं पसंद। नहीं नहीं मैंने नहीं पसंद, नहीं अच्छे होते। नहीं मैंने पसंद नहीं। टू ऑल द पिंडी बॉयज, ठीक है, रुखसाना को कोई भी नहीं पसंद उनमें से? ऐसी कोई फफे कुटन औरत है तो पीली बाज औरत। अच्छा मैं किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ, आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे डिलीवर कर रहे हैं? नहीं तो ये गाली नहीं की थी कि मैंने वो नहीं पसंद, मेरा इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। मैंने ये अच्छा आपको ना ऐसे ले करके मेरा ना कोई कदे किसी नाल अफेयर बने ना कुछ, मुझे इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। मैं अपना काम करती हूं, अपने घर से। ठीक है, आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उस चीज़ की बात करें। मैंने खुश रहने से बड़ा इंटरेस्ट है। नहीं आपको ना चुगते बड़ी पढ़ती हैं? नहीं जो पढ़ती नहीं है, सॉरी हाँ वही। चल मैंने पांच जुगता एक साथ कर दिया, तो मान जा पांच जुगता करनी है ना एक साथ, मैंने पढ़ती है ना। नहीं मैंने जुगते बड़ी पढ़ती। आपको कभी आपके बड़े मुंह पे जुगत पड़ी? बड़े मुंह मतलब कि मैं इतने लेंटर पाया, इतना बड़ा मुंह, बड़ा मुंह इसे कहते हैं। आपको ने को कहा है कि आपका मुंह बहुत बड़ा है? नहीं हमेशा मुझे ये कहा गया आप बहुत प्रिटी हैं, बहुत अच्छी है, बहुत गुड लुकिंग है। आपके मुंह पे कभी किसी ने बात नहीं की? नहीं कभी भी नहीं। कभी आपने सेल्फी खींचो एक मुंह कट गया होया था मेरा, किसी ने कहा हो कि आपका मुंह ही मुंह आया है? मतलब अजीब जी कासिम साहब तुम बकवास कर रहे हो। मैं कभी किया कि मुंह नजर चुटकी मारो ताड़ा मुंह बन जाता है? मैंने तो कभी नहीं कहा। अगर आप ये ना करें ना। हाँ नहीं वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको किसी ने नहीं कहा ना? अच्छी बात है, अच्छी बात है। लड़ाई होगी या आपको कोई फैन होगा शायद? अच्छा इन्ने बड़े जुस्से का मेरा कभी फैन नहीं आया जी भाई। तेरी कक छोटी है एक बड़ी है, अल्लाह की कसम झूठ नहीं बोल रही। मुझे शक है से आपको ना आपसे नहीं इसको आपसे प्यार हो गया। मुझसे प्यार हो गया? सर मेरी शादी करवा दें इनके साथ। मैं मुंह से चपेड़ मार के ना मेरा घर ना खराब करी, मैं चल दफा हो जाता हूँ, शादी करा दे। मतलब किस तरह के बदतमीज लोग। हेलो सीआईए में ये वही मैडम है ना जो सीआईए इनकी वो हर शो में ना शादी होती है? हर शो में नहीं, हर दूसरे शो, सीआईए हर दूसरे शो। तो ये इसका ये तो नहीं मतलब कि तुम भी आकर ऐसे नहीं होता? मतलब ऐसे नहीं होता, बोल रही हूँ। आप बाकी मुझे पसंद करते हैं, दिल से पसंद करते हैं आप। मजाक के अलावा मैं कैमराज ऑन है, मैं शो की वजह से नहीं कह रही। आप बाकी एक मिनट भेजना वाली, आप बाकी पसंद करते हैं मुझे जी आप तो? मैं मतलब बाकायदा आप प्यार करते हैं मेरे से? हाँ जी। खा के खा मेरा खा, खा ले खा ले खा ले, ऐडा तेरा प्यार होने निकल जाए। खा ले खा ले, सब कुछ खा ले, तेरे लिए मंगाया मैं। मैं सोच रही थी मेरा कोई फैन आए मैं उन्हें खिला दूं। खा ले खा ले शाबाश, खा ले खा ले खा ले खा ले खा ले यार, तू भी प्यार से खिला रही है यार। सच्चा प्यार नहीं करता मेरे ना? खा ले यार, तू सच्चा प्यार नहीं करता है? खा ले खा ले यार। खबरदार रहना किसी ने मोहब्बत का इजहार किया खाना खराब हो जाए। मुझे उन मेरे लिए लेकर आ मैंगल है, एक उनके लिए लेकर फिर सोचते हैं। चल जाए मुझे उजड़िया किंग कॉन्ग लग रहे हैं, तो पहले से हान करना था। किंग कॉन्ग चल करा दे, मैं कह रहा करा दे, मैं चार रोड दे नहीं तेरे अल्लाह की कसम गंद हो जाएगा। चला जा, मैं तलाके करा सकता हूँ, शादियों नहीं करा सकता। चला मैं क्या जी ना तलाका कराने ली माई, चिप्स तो दे जा, बाकी सेट भरिया लगेगा साड़ा। हाँ जी ये आगे चला गया, ओ ये पीछे चला गया, ठीक चलो। हाँ किधर थे हम? अगे रिकॉर्डिंग पे जाना, छेती सवाल करो, मेरे को टाइम नहीं है। लेट्स टेक अ ब्रेक, वी विल बी राइट बैक। ब्रेक से वापस आने का शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद है रुखसाना। अच्छा चीनी आप पीती होंगी चाय में? डाल के कभी पीनी पड़ी, वरना मैं चाय अच्छा, नहीं चाय अच्छा, चीनी नहीं लेती। चले किसी भी चीज़ में चीनी ऐसे हिलाने से ज़्यादा अच्छी हिलती है या फिर ऐसे हिलाने से ज़्यादा अच्छी हिलती है?
अच्छा मैं बता तो दूं पर तेरे को चीनी हिलाई नहीं जाने। नहीं नहीं हिला लूँ बताएं। पक्की गल है? हाँ, ऐसे चीनी ज़्यादा अच्छी मिलेगी या ऐसे मिले? अच्छा नहीं खबे करोगे तो ज़्यादा अच्छी हिलेगी। क्या इसकी क्या वो खज्जल होएगी चीनी बेच जिन्हों तू हिलाएगा जलील ही होएगी। सही कह रही। अच्छा मुझे बताएं कौन सी इजाद से ठीक है औरतों की किचन की लाइफ ज़्यादा बेहतर हो गई है? माइक्रोवेव ब्लेंडर या फ्रिज? तीनों ही बहुत ज़रूरी हैं। कोई एक चीज़ के बगैर कोई एक सबसे ज़्यादा फ्रिज से अगर तीनों को देखो तो फिर फ्रिज तो सबसे पहली चीज़। वजह भी बताओ। उधर से मैं लाशें रखनी है। मुझे पहले शक था। बकवास नहीं करो। ब्रेकिंग न्यूज़। अरे नहीं रुखसाना के फ्रिज में लाशें पड़ी हैं। मतलब इसलिए कि पुलिस अगर आप ये सुन रही हैं कोई अगर पुलिस वाला मेरा प्रोग्राम देख रहा है तो जाकर रुखसाना को फ्रिज चेक करें कोई ना कोई बंदा जो पिछले दिनों मरा हो वो शायद उसके अंदर पड़ा हो। जी जिस तरह तुम कह रहे हो ना तुम थाने जाके भी कह दो ना कि मेरी कोई FIR दर्ज कर लो उन्होंने कहना जाए मस्ता काम कर चले ठीक है। अच्छा पाकिस्तान को ठीक है बने हुए 70 ईयर्स हो गए हैं ठीक है कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि वैसी की वैसी। अच्छा हमारी जितनी भी पुरानी जैसे मीनारे पाकिस्तान हो गया बादशाही मस्जिद हो गई दो तीन साड़ियाँ जड़ियाँ मीनारे पाकिस्तान वैसे का वैसा है देखो 70 साल पहले था यानी कायदे आजम ने ये बनवाया था है ना। रुखसाना मुझे मेरा मेरे जेन से 70 साल निकल गए थे माफी चाहती हूँ मेरे जेन से 70 साल छुड़ाया मत करो सवालों में अड्डा तुम्हें ब्रेकिंग न्यूज रुखसाना के बकौल मीनारे पाकिस्तान पाकिस्तान बनने से पहले का बना हुआ है क्योंकि ये कायदे आजम ने बनाया। बकवास नहीं करो मेरे कहने का मतलब ये था कि हमारी जो पुरानी रिवायत GPO जो माल रोड पे GPO है वो वैसे का वैसे ही माल रोड पे। हाँ माल रोड की तरह लाहौर की बात कर रहे हो। GPO यहाँ पे मुझे सीरियसली रास्ते नहीं पता मैं जब भी आती बच्चे मस्जिद वैसे के वैसे उसके अलावा आप भी वैसे के वैसे 70 साल पहले भी ऐसे वो मैं यहाँ नहीं था कहीं और था। चल अच्छा मुझे बताएं किसी को अगर जुकत मारने का आपको दिल कर रहा हो ठीक है आपका उसके साथ मजाक ना हो तो फिर आप क्या करते हैं? मैं दिल में जुकत मार लेती हूँ। ये अच्छा है मगर मैं क्या करता हूँ पता है पहले उसके साथ दोस्ती बनाता हूँ जब मेरी इतनी फ्रैंकनेस हो जाती है मुझे कुछ अरसे बाद तो तब मैं उसको ना जुकते मारना एक जुगत लगा नहीं 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 तेनु कसम है नहीं 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 मैं ना बड़ी एज की औरतों को जुकते नहीं मारता अच्छा नहीं लगता। अच्छा मैं बच्चों से बहुत जुकते खाती हूँ प्लीज आप मुझे जुगत मार दें। एटिकेट्स होते जो बड़े मुंह वाली बंदियाँ होती हैं ना उनको झुकते मारना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। नहीं नहीं मेरा गर्क हो जाए तेरा क्या क्या कि मैनू कॉन्शियस कर देता है कि पता नहीं कितना उल्टा है। चल चल चलें एक सेगमेंट करते हैं कटहरा ठीक है उसमें मैं ना सात सवाल वो बस आ रहा होगा ऊपर देखें ऊपर से ही आएगा। अच्छा पहले आप बोलें कि आप जो कहेंगे सच के सवाल कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि आप कटहरे में खड़ी हैं कोई चीज़ तो है नहीं तेरे मुंह पे हाथ रख के बोल देंगे नहीं जो कुछ कहूंगी सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी वैसे कह दूंगा सच कहूंगी सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। ठीक है थैंक यू आपने चाय नहीं पूरी भी ये थोड़ा मैं लमक के चाय पिया मतलब पी लूंगी पैसे ले मेरे को चले ठीक है सवाल पे आते हैं। अच्छा कभी आपने किसी के भले के लिए झूठ बोला? बहुत दफ़ा। एग्जाम्पल को दे दे मतलब ये कि जैसे मेरे कोई साथ को लेकर काम कर रहे हैं और वो नहीं पहुंच सके और मुझे ख़दशा है कि उनको डांट पड़ेगी और या कोई ऐसा है कि कोई न्यू कमर है जिसका अभी कच्चा पक्का सा काम है और मुझे ये डर है कि कहीं इस हरकत की वजह से उसे निकाल ना दिया जाए तो मैं उसकी जगह पर झूठ बोलती हूँ कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा है ताकि उसका काम ख़राब ना हो। अच्छा मुझे बताएं कभी आपने किसी को गरीब को पैसे देने के लिए चोरी या डाका डाला? नहीं हरगिज़ नहीं हरगिज़ नहीं गरीब को देने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास है जो मैं जितना होता है और जहाँ तक हो सकता है मैं करती हूँ। इसका मतलब है जो नीडी लोगों की हेल्प करती हूँ और लेकिन मैं गरीब को देने के लिए मैं चोरी डाका रॉबिन हुड करता था वो ठीक नहीं करता गलत करता था बिल्कुल बुरी बात है। रॉबिन हुड अगर आप ये शो देख रहे हैं तो रुखसाना के बकौल आपने बिल्कुल गलत काम किए आपको ये नहीं करना चाहिए। कोई दही अला भी तेरा शो नहीं देखता रॉबिन हुड देखेगा तेरा शो कोई नहीं देखता इतनी गलत फहमी है कोई दुनिया का बंदा नहीं देखता सिर्फ जो गेस्ट आता है वो देखता है। चार बंदे इतने बैठे ने अगला सवाल करते हैं। अच्छा
कभी आपने किसी को ना करके किसी लड़के का दिल तोड़ा? लड़के का मतलब? उसको ना करके काम की बात कर रहे हो, काम से हटके बात कर रहे हो? लड़के किसी भी तरह से बहुत सी जगह पे दिल तोड़ा है। उसको ना कर मतलब दिल तोड़ना नहीं कह सकते आप इसे। आपको पता है आप शोबिज में काम कर रहे हो और लड़कों की आदत है और कुछ लोगों का वैसे ही शुगल मेला होता है, लेकिन अगर आप अपने काम पे फोकस करें, अपने घर को जहन में रखें, तो आपका ध्यान कहीं नहीं जाएगा। कभी अगर इसको दिल तोड़ना कहते हैं तो हाँ मैंने तोड़ा। कभी किसी को गुस्से में, ठीक है, दिल में अपने सोचे में उसे मार दूँ? मार दूँ? हाँ। तो अब ये नहीं सोचना किसको सोचा, लेकिन मैंने सोचा था एक बंदे को कि मैं मार दूं इसे। अच्छा, तो उस पे केस तो नहीं, इस चीज पे हो सकता है ना केस? क्या सोचने से केड़ा केस होता है? सोचने से केड़ी दफा लग दी? सोच पे कोई पर्चा नहीं होता कासिम साहब, जो मर्जी मैं सोचूं, खाबा खाबा च मैं मार भी आई है किले बंदे। हां मैं फिर डायरेक्ट हो जाएगा पब्लिक में। आपकी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट का टाइम हो गया, लोग आपका वेट कर रहे हैं। एक बंदा भी नहीं खड़ा, कोई बंदा नहीं उधर। मेरे ख्याल में कोई इफ्तिताह था जहाँ पे रिबन कटिंग सेरेमनी थी। इफ्तिताह मतलब कि मुर्गियाँ थे डरबे उन्हें जाके सीधे करने ने की। हाँ मुझे याद है कि मैंने किसी चीज का ओपनिंग करनी थी। बकरा मंडी जाना मेरे ओपनिंग। मेरे ख्याल में कोई बकरे के कान पे पकाने बदे होंगे, तुसी जाके रिबन कटना है मंडी ओपन। नहीं, मेरे ख्याल में कोई नाई की दुकान थी, इसी बहाने आप कटिंग भी करवा लेना। नाई की दुकान? नाई की दुकान नहीं कहते, उसको कहते मेन सैलून। मेन सैलून? अच्छा, सैलून ही कहते होंगे। हां, नाई की दुकान। चलिए चलते हैं फिर। चाकू यार जैसे है कुछ। चाकू से बाल कटोगे? तुसी चाकू से बाल काटने? नहीं नहीं, इफ्तिताह करना ना, रिबन काटना। मेरे पास इतना बड़ा खंजर है। कर लेना पहले इंटरव्यू, कर ले। मैं काट नहीं, मैं मेरे पास टोका है। टोका आज ही चले। ओ यार, एक मिनट रुको, इंटरव्यू तो कर लो ना। नहीं नहीं, आप लेट हो रही है, लोग वेट। एक मिनट ठहर जाओ, इंटरव्यू कर करें आप। मैं आप आ जाओ, मेरा इंटरव्यू पूरा करो। आप इंटरव्यू अपना अकेले खुद का कर ले, ऐसे कैसे करें एंड पे ना यार, ये मैसेज दे दे, ठीक है, एंड पे आप मैसेज दे दे उन लोगों को जो मर्जी दे दे। चलो 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 चलो। अजीब से लोग हैं ऐसे। कोई है, मैं जाऊं या? हेलो, ATV, सारे रंग हमारे।